के लोकसभा चुनाव को हारने के बाद कांग्रेस में बहुत बदलाव आया है और अब कांग्रेस हर चुनाव को बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। तो मिजोरम का भी ऐसा नहीं है कि पार्टी को मैं रिजेक्ट कर रहा हूं या पार्टी लड़ती ही नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने। मैं ये कह रहा हूं कि जब दो सेनाएं आमने सामने होती है तो क्यों हम हमेशा सर्विलेंस करते हैं, दूसरी टीम की निगरानी करते हैं? वो इसलिए कि उसके मुकाबले में हमें अपनी ताकत लगानी होती है। जब यहाँ पे जो सेनापति हैं, जो कमांडर हैं, वो 24 घंटे लड़ रहे होते हैं, वो बिना ब्रेक लिए, बिना थके हुए, बिना सोए हुए और हर साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति लगाए हुए सब कुछ करने को तैयार होते हैं। और ईडी सीबीआई आ जाएगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ अनुशासन से भी बढ़ के कड़ा अनुशासन, एक हद तक जहाँ तक होता है पार्टी डिक्टेटरशिप भी अपनाती है कि कोई मुंह नहीं खोलेगा तो नहीं खोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसको आप ठीक मानते हैं, इस डिक्टेटरशिप को? लड़ाई जब होती है तब सही और गलत से ज्यादा है जीत। जीत इसी डिक्टेटरशिप को जब सोनिया गांधी का जिक्र आता था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है वो सोनिया गांधी के रिमोट पर चलते हैं। मैं फैसला नहीं सुना रहा हूं, मैं तो एक संजय की तरह बता रहा हूं जो हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि बीजेपी कैसे चुनाव लड़ती है। वो सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए लड़ती है, किसी भी कीमत पे जीतने के लिए लड़ती है और उस समय में उसे कुछ और नहीं दिखाई देता, सिर्फ जीतना दिखाई देता है। और वो जो किलर इंस्टिंक्ट है, और खासतौर पर राजनीति की बात कर रहे थे कैसे मुश्किलें होती हैं, और अभी का जो समय है दो धड़े दो टीम आमने सामने हैं, उसमें अगर एक टीम तमाम तरह के जो जीतने के तरीके होते हैं वो अपना रही है तो दूसरी टीम अगर उसको जीतना है तो वो किलर इंस्टिंक्ट उसमें। सचिन बुदौलिया जी भी मेरे साथ जुड़ गए, मैं आपको सही इंट्रोड्यूस कर रही हूँ सचिन जी। तो अब मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ। देखिये छत्तीसगढ़ में जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उसमें कांग्रेस को बढ़त जरूर दिख रही है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसी क्लीन स्वीप नहीं दिख रहा है। मध्य प्रदेश में कुछ आंकड़े बीजेपी के फेवर में जा रहे हैं और कुछ कांग्रेस के में, और ऐसी ही स्थिति राजस्थान में दिख रही है। किसी भी स्टेट में अभी तक के आंकड़ों में क्लीन स्वीप किसी भी पार्टी का नहीं दिख रहा है, तो क्या आप कहेंगे? अब एक छत्तीसगढ़ महाएग्जिट पोल कहा गया है टुडे चाणक्य का, एक मिनट रुक जाइए बुदौलिया सचिन जी, मैं आपके पास आता हूँ। लेकिन बीजेपी को 33 प्लस माइनस 8 सीटों का अनुमान है, 8-3-11 नहीं बनती फिर सरकार। कांग्रेस को 57 प्लस माइनस 8 सीटों का, यानी कांग्रेस क्लियर से मेजोरिटी से टुडे चाणक्य के हिसाब से सरकार बना रही है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जितने भी एग्जिट पोल के नतीजे छत्तीसगढ़ को लेकर आ रहे हैं उसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि कांग्रेस आ रही है, एक बार फिर अपनी वापसी कर रही है। बोलिए सचिन। देखिए छत्तीसगढ़ में जो पहले 2018 का जो चुनाव था उसमें जितना अंतर था वो अंतर काफी हद तक दूर हुआ है। बीजेपी को अभी जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं, हम लोगों ने जब ग्राउंड पर जाकर के देखा था और कई सारे मुद्दे जो हैं उसमें बीजेपी 35 से 40 के आसपास का लोगों का, वहां के स्थानीय लोगों का ऐसा अनुमान था कि इतना तक गेन करेगी जाकर के, और उसके कई कारण थे। और घोषणा पत्र जब जारी किया बीजेपी ने तो बीजेपी के घोषणा पत्र का भी एक रिएक्शन हुआ और उसके बारे में एक तथ्य पता चला है कि एक महतारी बंधन योजना जो पहले भी चला करती थी और 1200 रुपये प्रतिमाह हर महिला को देने का, जो उन्होंने जैसे मध्य प्रदेश में ये लाडली बहना स्कीम आई है उसका इतना इम्पैक्ट हुआ है कि बीजेपी के दफ्तरों में लगभग 50 लाख के आसपास आवेदन पत्र जमा हो गए हैं। तो ये एक इस तरह के एक बड़ा वो आया है। दूसरी चीज़ कि युवाओं में जो पीएससी का जो भर्ती का घोटाला जो हुआ था उसको लेकर के भारी नाराजगी है। तो कई सारे ऐसे फैक्टर पता चल रहे हैं जिससे बीजेपी का वोट अप हो रहा है। ठीक है, अब कितना मिजोरम के जा रहा है? ठीक है, अब अभी बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। मिजोरम का एक आंकड़ा दे रहे हैं, सीएनएक्स का आंकड़ा है, शोभना जी बताइए। बिल्कुल, और मिजोरम की 40 सीटों का जो आंकड़ा है वो एमएनएफ के खाते में 14 से 18 सीटें जाती हुई दिख रही है, यानी जोराम थांगा की जो पार्टी है बीजेपी को शून्य से 2 सीटें, कांग्रेस को 8 से 10 सीटें, अदर्स 12 से 16। हालांकि एमएनएफ जो है वो एनडीए का पार्ट है और अगर यहां पर एक बार फिर जोराम थांगा ने बढ़त बनाई हुई है 40 में से 14 से 18 और बीजेपी की 2 सीटें मिल जाती हैं तो 20 का आंकड़ा हो जाता है। कांग्रेस को आदर्श का साथ लेना पड़ेगा तभी सरकार बन सकती है और मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में आदर्श जो है वो जाहिर सी बात है कि एमएनएफ का ही साथ देंगे तो सरकार एक बार फिर से मिजोरम में अगर हम बात करें तो जोराम थांगा की वापसी दिख रही है इस एग्जिट पोल में। एक बार बता दूं शोभना जी, मैं आप शुरू करें उससे पहले मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। नॉर्थ ईस्ट का अगर आप देखें, जिसकी केंद्र सरकार राज्य में उसी की सरकार बनती ही बनती है बाय डिफॉल्ट,
क्योंकि पूरे नॉर्थ ईस्ट का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी इस तरह से है। कांग्रेस अगर केंद्र में होंगी तो सब कांग्रेस समर्थित सरकार बन जाएगी, बीजेपी अगर केंद्र में होंगे सब बीजेपी समर्थित सरकार बन जाएगी। आप भी इसको देख रहे हैं और ये एक ट्रेंड है, मिजोरम उसको रिपीट कर रहा है, तो मुझे कुछ आश्चर्य नहीं लगता। बिल्कुल संगीत रागी जी, छत्तीसगढ़ को लेकर तमाम सर्वे आ चुके हैं, आकलन आ चुका है, आंकड़े आ चुके हैं, उसमें ज्यादातर जो आंकड़े हैं वो कांग्रेस के हक में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, क्लीन स्वीप ऐसा नहीं दिख रहा है कि भूपेश बघेल ने कोई बड़ा चमत्कार कर दिया और 60 से 70 सीटें ले आए, क्या कहेंगे आप? देखिए, शुरू में तो यही बात की जा रही थी कि ये चुनाव जो होगा छत्तीसगढ़ का एक तरफा होगा फिर से इस बार। पिछली बार की तरह भारतीय जनता पार्टी जो है वो बुरी तरह से परास्त होने वाली है। लेकिन यदि हम जिस आंकड़े को हम अभी देख रहे हैं उस आंकड़े में तो लग रहा है कि ये करवट जो है ऊंट किसी भी तरह करवट ले सकता है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं आंकड़े देख रहे हैं, कभी भी जब सेफोलॉजिस्ट भी ये कहते हैं कि जो 7% है प्लस माइनस से किसी भी तरह जा सकता है, और जो ये 7% का जो मार्जिन है, ये जो एरर जिसे हम कहते हैं मार्जिन ऑफ द एरर जो है, वो तो मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी को जीत दिलाने के लिए काफ़ी हो जाता है यहाँ पर। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि छत्तीसगढ़ में कौन आज के दिन में सरकार बनाने जा रहा है। और कुल मिलाकर के देखिए तो तीनों जो हिंदी बेल्ट के जिसे हम कहते हैं, तीनों जगह ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये समायोजन बिठाया गया है, वाकई में जो रियल जो तस्वीर है वो हमारी आंखों के सामने नहीं है, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। मतलब ये आप आंकड़ों को लेकर कह रहे हैं कि भाई कुछ फंसे हुए से हैं। हाँ, मुझे तीनों चुनाव जो है वो दिख रही है, तीनों चुनाव जो है वो फंसा हुआ दिख रहा है, एक्सेप्ट ये कि राजस्थान का जो चुनाव है वो मुझे, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक अपेक्षित बड़ा। रागी जी, उसमें भी जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें किसी एक को 90 से 100 दिखा रहे हैं, एक को 100 से 110 दिखा रहे हैं। हाँ। और आप जानते हैं कि मार्जिन ऑफ एरर जो है वो प्लस माइनस 4-5 सीट्स का तो होता ही है, तो ऐसे में कुछ भी मतलब 2018 वाली स्थिति राजस्थान में फिर दिख रही है। 2018 की स्थिति तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का कैंपेन हुआ है और परसेंटेज ऑफ वोट पड़ा है, वो चुनाव मुझे लगता है तीनों जगह कहीं भी आपको देखिएगा कि हंग असेंबली जैसी संभावनाएं नहीं दिखेगी। मैं छत्तीसगढ़ के लिए भी ये कह रहा हूँ, ये तीनों ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कभी भी इस प्रकार का मैंडेट हमको देखने को नहीं मिला है पीछे अतीत में। तो इस प्रकार भी आप अपेक्षा यही कीजिए और देखने को भी संभवतः यही मिलेगा कि जिस भी पार्टी को मैंडेट मिला है वो एक क्लियर मैंडेट मिला है, वहाँ हंग असेंबली जैसी चीज़ें इसलिए नहीं है क्योंकि तीसरा कोई विकल्प उस प्रकार का नहीं है जिसके प्रति कोई मतदाता जो है उसके प्रति वोट देने जाए। जैसे लग रहा कि राजस्थान में एंटी इनकंबेंसी के बावजूद अशोक गहलोत की योजनाओं ने बहुत तगड़ी, जिसे कहा जाए कि कड़ा मुकाबला बीजेपी के लिए खड़ा कर दिया है, नहीं तो राजस्थान का जो वोटर है वो हर 5 साल पे सरकार बदल देता है, ये आप भी जानते हैं मैं भी जानती हूँ, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं अशोक गहलोत। ध्यान रखिएगा कि जब वसुंधरा राजे सिंधिया जी की सरकार जो आप पीछे एक बार जब हारी थी तो जो मार्जिन था वो बहुत कम का मार्जिन था, और सभी कोई भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कहते थे और बाहर के लोग भी कहते थे कि इंटरनल रिफ्ट नहीं हुआ होता तो वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो सरकार बना ली होती। तो इस प्रकार की बातें होते रहती हैं क्योंकि ऐसे 25 सीट थे जहां पर 100 के मतों के अंतर पर सीटों का हार और जीत का फैसला हुआ है। अब ऐसी स्थिति में 100 और 200 मत जो है वो किसी भी तरह किसी भी पार्टी को लेकर के जा सकते हैं। सचिन जी बागी जो है, कहा जा रहा है कि हालांकि दीपक जी ने इस बात को खारिज किया है मेरी, लेकिन मैं फिर भी इस बात पे अड़ी हुई हूँ कि जो बागी है वो राजस्थान के चुनाव में बहुत ही निर्णायक भूमिका में है। 17 जो है वो कांग्रेस के बागी है और 14 जो है वो बीजेपी के बागी है। आपका क्या मानना है राजस्थान के चुनाव में इन बागियों का से क्या कुछ इधर उधर स्विंग होगा वोट या सीट्स? देखिए, बागी चाहे राजस्थान में हो या किसी अन्य राज्य में भी हो, वो चुनाव में अंतर आता है। ये निर्भर करता है कि उनकी अपनी व्यक्तिगत स्टैंडिंग क्या है। कईयों बार जब टिकट काटे जाते हैं तो पार्टियां जब फैसला करती हैं तो इस बहाने वो पहले पूरा स्टडी करती हैं कि ये भाई लोकप्रियता के पैमाने पर कितना खड़े हैं, जनता के बीच में इनकी इमेज कैसी है, ये जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। फिर भी थोड़ा बहुत परसेंटेज उनका वोट का उनका होता है, और चूँकि 14 और 17 जो आंकड़ा आप बता रही हैं ये दोनों लगभग न्यूट्रलाइज कर देगा। मुझे नहीं लगता कि परिणाम के ऊपर कोई बहुत असर आने वाला होगा। शरद जी, मैं बागियों की बात कर रही हूँ और सचिन जी ने कहा कि वो किसी भी राज्य में हो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेंगी तो ये जो बीजेपी के बागी हैं
तभी वो साथ देंगे। ऐसा ही केस कुछ अशोक गहलोत के साथ भी है कि ये जो बागी हैं ये हैं सब अशोक गहलोत के ही, लेकिन वो उसी स्थिति में कांग्रेस के साथ आएंगे अगर हंग असेंबली की सूरत बनती है तो साहब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। तो क्या पेच दोनों तरफ फंसा हुआ है, क्योंकि आला कमान मुझे नहीं लगता वसुंधरा राजे के नाम पर इस बार बहुत सहमत है मुख्यमंत्री के लिए राजस्थान में। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अगर बीजेपी को कंप्लीट बहुमत मिल जाता है तो इन बागियों की कोई भूमिका नहीं रह जाएगी, उनके पास सिर्फ यही चारा होगा कि वो अपनी बीजेपी मैं हंग असेंबली के केस की बात कर रही हूं। अगर हंग असेंबली आती है तो फिर उस ऐसे में इनकी भूमिका निर्णायक होगी, और अगर अशोक गहलोत के साथ के बागी ज्यादा हैं संख्या में और उनको बहुमत दिला सकते हैं तो वो अशोक गहलोत के साथ जाएंगे, और अगर वो वसुंधरा राजे के साथ के अगर बागी हैं और उनको बहुमत दिला सकते हैं तो उनके साथ जाएंगे। मुकेश जी, कोई कोई डाउट नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, और ये खास तौर पे राजस्थान में दोनों ही पार्टियों के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो गहलोत हों या वसुंधरा हों, ये दोनों ही एक कोशिश करती हैं कि उनके लोग पार्टी के अंदर ज्यादा से ज्यादा टिकट मिले और दूसरे उनकी पार्टी के जो दूसरे धड़े हैं उनके लोग ना जीते, कम से कम जीते, और अपने लोगों को निर्दलीय या किसी और पार्टी से, जैसे छोटी पार्टियों से भी अपने लोगों को जिता के ला के बाद में अपने लिए समर्थन जुटाना, ये रणनीति रही है। लेकिन दूसरी बात, राजस्थान में जो जितने उम्मीदवार बिना पार्टी के इन दोनों पार्टियों से अलग होकर लड़ रहे हैं वो अधिकांश इतने बड़े नहीं है कि चुनाव जीत जाए, वो अपनी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, उनमें से कई कमजोर कर रहे हैं, लेकिन अपने दम पे बड़ी संख्या में जीतते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जो जीतेंगे वो तब बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका होगी जैसा आप कह रही हैं कि अगर हंग हो जाती है, अगर गहलोत को चार विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है तो गहलोत भी इस मामले में मोदी जी की तरह से हैं, वो भी अपने लिए समर्थन किस तरह से जुटा लेते हैं ये हमने देखा है और वो जादू करते हैं। बिल्कुल ठीक है लक्ष्मी जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि अपने दर्शकों को जितने भी जो एजेंसीज हैं जिन्होंने इस सर्वे को किया है वो छत्तीसगढ़ के लिए, राज्य जो है छत्तीसगढ़ जहां पर भूपेश बघेल की सरकार है उसके आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं, तो ये लीजिए टीवी स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ की 90 सीटों का महा एग्जिट पोल आपके सामने है। एक्सिस माई इंडिया बीजेपी को 36 से 46 सीटें दे रहा है, पोल स्टार्ट 35 से 45 दे रहा है, सी वोटर 36 से 48 दे रहा है, और CNX 30 से 40, मतलब कुल मिलाकर एक सही आंकड़ा है, लेकिन कांग्रेस को हर जो एग्जिट पोल एजेंसी है वो 40 से 50, एक्सिस माई इंडिया पोल स्टार्ट 40 से 50, सी वोटर 41 से 53 और CNX 46 से 56 दे रहा है, यानी कुल मिलाकर अगर इस पूरे टैली को हम देखें तो छत्तीसगढ़ में दीपक